साजिद अली, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन तोमर। बारिश होने की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की धान की फसल तबाह बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है, जिससे सरकार किसानों को जल्द मुआवजा दे। और आपदा में शासन द्वारा बजट जारी किया जाता है, मगर किसानों को उसका लाभ पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाता है। सरकारी अधिकारी सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने के बाद भी किसानों को सरकार कोई वित्तीय सहायता नहीं देती। किसान की फसलें खराब होने से नुकसान उठाता आ रहा है, उसके बाद भी देश का पेट भरने का प्रयास कर रहा है। हमारी मांगे हैं कि सरकार किसानों के इस दर्द को देखते हुए मुआवजा देने का कष्ट करे। धन्यवाद। तब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हम किसानों के लिए लड़ते रहेंगे, ज्ञापन देंगे, जो भी करना पड़ेगा किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, किसान मतलब फसल बोने के लिए कितनी लागत लगाता है, कैसे कैसे उसको सींचता है, मगर फिर फसल जो है बर्बाद हो जाती है। क्या वाकई लगता है कि किसानों का ये दर्द सरकार सुनना चाहती है? नहीं, किसानों का दर्द कहाँ सुनती है सरकार। किसान कितनी मेहनत करता है, रातों रात पानी लगाता है, उससे ज़्यादा मेहनत कौन कर सकता है? नहीं सुन पा रहे हैं ये प्रशासन के लोग, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। मैं तौकीर अहमद, जिला प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन तोमर, रामपुर। किसान जो है, सरकार जो है किसानों को मुआवजा देने में लगातार देर कर रही है। किसान की फसल जो है पूरी तरह से बारिश के अंदर बर्बाद हो चुकी है, जिसके लिए हम लगातार किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार बजट तो बनाती है, लेकिन किसानों तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पाती, जिसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जिलाधिकारी रामपुर और पूरे प्रदेश के कार्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन तोमर प्रदर्शन करेगी, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके, जिससे आने वाली फसलों को बुवाई हो सके और किसान अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।